सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। शेरावाली जी दा कोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिववाच। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायणि कलोभिकाय सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुशुभ छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे वियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विजेतांसि देवी भगवती हिता बलानाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं चेष्टयन्तो स्वस्ते स्मिता मदिमदेव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखवयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणि नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दैवस्काहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषानपहंस दुष्टा हृष्टा तु कामान सकलानवेष्टा वामाश्रितानां विपन्नराणां वामाश्रिताया क्षयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कायम् अस्मद्भैरविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भव वाचनि आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारणि पिनाकधारणि चित्ता चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपा चिताजति।
सर्वमन्त्रमयि सत्या सत्यानन्द स्वरूपिणि अनन्ताभावणि भाव्या भव्या भव्या सदा गति शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनि अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावति पट्टाम्बरपरिधान कलमञ्जीररञ्जनि अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरि वनदुर्गा च मातङ्गी पतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा देव वाराही लक्ष्मी च पुरुषागिरि विमलोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिला बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भ हननी महिषासुरमर्दनि मधुकेटवहन्त्री च चण्डमुण्ड विनाशिनि सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातनि सर्वशास्त्रमयि सत्या सर्वात्र धारणि तथा अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारणि कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती जति अप्रौढा चैव प्रौढा च विद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनि नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलधरी शिवदूती कराली च अनन्दा परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनि या इदं प्रपदे नित्यं दुर्गा नाम सदाष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायम् अयम् अस्त्रिणमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैश्वरवरैरपि राजानो दासतां जान्ति राज्यश्रियमवाप्नुया गोरोचनालर्तककुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विजयन्तं विधिना विदिज्ञ भवे सदा धार्यते पुरारि भौमावास्यानिशामग्रे सन्दे सद्विषां गते विलिख्य प्रकटे स्तोत्रं सवे सम्बदाम्बर ओ इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पसारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ओम अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गण्यासोक्तमातरो बीजम् दिगबन्ध देवता सत्त्वम्
श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशदीपाठंगत्वेन जपे विनियोग ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्ड उवाच ॐ जगदुरं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यातु कवचं पुण्यं तच्छृणुश्च महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि राणि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषुमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता नादेशां जायते किञ्चित् अशुभं रणशङ्करे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मिदानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्वरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशय प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वारायी महिषासन ऐन्द्रिगैसमारूढ वैष्णवी गरुडासन माहेश्वरी विचारूढ कौमारी शिशुवाहन लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्ववाहन ब्राह्मी हंस समारूढ सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानावर्णयोवाड्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रसमारूढा देव्यः क्रोधा समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिमलं च मुसलायुधं केनकं तोमरं चैव पर्शुं भाषमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्याजुधानीतं देवानां च हिताय मे नमस्ते सुमारोते महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्प्रख्य शत्रूणां भयवर्धने राज्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारणि प्रतीच्यां वारुणि रक्ष भायभ्यामिगवाणि उलीच्यां वातु कौमारि येषाणां शूलधारणि ओरं ब्रह्माणि मे रक्ष तदस्ता वैष्णवे तदा एवं दशिशो रक्ष चामुण्डा शववाहन जया मे चाग्रता पातु विजया पातु वृक्षता अरिता वाम पार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योदनी रक्ष उमामूर्ति व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुव रक्षस्वनि त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये जवघण्टा जडाधिके शङ्खणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोद्वारवासने कपालकालिका रक्ष कर्णमूले दुशाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे जुजुष्टिका अधरे चाम्बिलकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारि कण्ठदेश सुचण्डिका कण्डिकां चित्रघण्टा च महामाया च तारुके कामाक्षे च कं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला
देवायां भद्रकाले च पृष्ठभज्रे धनुर्धने नीलग्रीवावहे कंठ नलिकां नलकोबरे स्कन्दया खड्गणे रक्ष बाहु मे वज्रधारणे हस्तार्दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगांशुलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरी स्तनो रक्षन्महादेवी मणाशोकविनाशनि हृदयललिता देवी उदरे शूलधारणि नावाचकामणि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूर्णाकामिकामेषं गुदेवैजवाहिनि कन्यां भगवती रक्ष जानुनि विन्दवासिनि जंगे महावला रक्ष सर्वकाम प्रदायिने गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे दुदयति पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्थलवासिनि नगादशाकराले च केशाचेवोद्धकेशिनि रोमकूपेषु कौबेरी त्वरं भागेश्वरि तदा रक्तमज्जावसामासन्यस्तिभेदासि पार्वति अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं जामुकुटेश्वरि पद्मावलिपथकोशे कवे चूडामणेश्वरं ज्वालामुखीनखज्ज्वालमवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं बम्बाणि मे रक्षे छायां क्षत्रेश्वरि तथा अहङ्कारं मनो बुद्धिर्रक्ष मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा व्यान मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगणि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणि सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष प्रजो मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षेन्महालक्ष्मी भारां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुमला रक्ष मार्गं केमले तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षायैनन्तु जस्थानं भर्जितं कवचनतु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतु जगदीशेषु मात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयासार्वगामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मृत्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः भवान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामविदुर्लभं जापने प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धायुधः देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येषु पराजिता जीवे वर्षशतं साक्षम् अवमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे नूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभिषद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचरा चैव जलजाशोपदेशिका च जाकुलजामाला डाकणि जाकणि तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन च महाबला ग्रहभूतपिशाचश्च चक्षुगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः दर्शन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संसरे मानोनिधि वेराज्ञस्तेजोभिद्धिकरं वरं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतिं चण्डे कृत्वा दुःखवशं पुरा
मंडलम दशलावरगानन तावत्ते पुत्र पात्रगे देहांते परमं स्थानं जसुरेरवि दुर्लभम् प्राप्नोति नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं चिरेण मोदते ओ अथार्गला स्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषि अनष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तचति पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्तु ते मनोकैटव विद्रावे विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि रक्तवीलवदे देवि चण्डमुण्ड विनाशने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य मर्दनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि अचिन्त्यरूपशरदे सर्वशत्रो विनाशनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि न देव्या सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि सुमद्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि चण्डिके सततं जयित्वा भर्जयन्ति भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि विदेहि दिशदाम्राजं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि वरमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि विद्यावन्तं जशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि प्रचण्डदैत्यदर्भग्ने चण्डिके प्रणदायमे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि कृष्णेण संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि हिमाचलसुधानाद संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यसर्प विराजनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि देवि भक्तगणोत्तम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो जहि
वस्ते मनोरमां देहि मनोवित्तानुदारिणि कारिणि दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महातोतं पठे नरः साधु सप्तजति संख्या परमापणोति सम्पदा ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुभछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बापीत्यलतम् सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे क्षयापाप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्यानीयान्मन्त्राणामविकीलकम् स्वविषयमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चारणादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति कामन्तोरौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रान् विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहर कृत्वा निमन्त्रयामात सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं मे चण्डिकायासु तत्र गुप्तं चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वर्णियन्त्रणाम् स्वविक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायाम्ब चतुर्दशमष्टम्याम्ब समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नाट्यशेषाप्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायिनं नित्यं जपति संस्फुटम् स सिद्धा सागरासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः नाचैवापर्तस्य भयं स्वाभिहरायते नापमित्तो वशं जाति मृतो भोक्षामाप्नुय ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिजगत्किञ्च दृश्यते ललनायणे तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् क्षणेस्तु जाप्यमाणे स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः श्रूयते सारगिं जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बढ़ जाती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आई गिरिनंदिनि नंदत विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्यज राधिनि वासिनि विश्व विलासिनि सुनुते भगवती है चित खंड कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि पिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर वर वर चणि दुर धर धर चणि दुर मुख मर चणि हर चरते प्रेम वर मो चणि शंकर दो चणि किल विच मो चणि दो चरते कान जाने रो चणि जित सुर रो चणि दुर मद चो चणि जन्म दुदे जय जय हे भाई चा दुर मर चणि रम्यक
भक्तियाना भी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि भक्तिनां सुरेश्वरी
वाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय गणनाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव हि ओंकाराय नमो नमः। योगीजन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा, शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। शूलेन पाही नो देवी, पाही खड़गेन चांबिके, घंटा स्वरेन ना पाही चावत जानी स्वरेन च। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। प्राच्याम रक्षपति च्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे भ्रामनाथ शूलस्य उत्तरस्याम तथे श्री। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें ता ऐसी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। सौम्याणी यानी रूपाणी तेई लोके विचरन्ति दे, यानी चात्यर्थ घोराणी तेई रक्षा स्वां तथा भूम। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप स्थित रहते हैं उनके द्वारा भी हमारी तस भूलोक की रक्षा करें। खड़ग शूल गदा देनी जानी चास्त्रानी अंबिके, कर पल्लव संगीनी तेजमा रखे सर्वदा। अंबिके, आपके कर पल्लव शोभा पाने वाले खड़ग शूल गदादि जो जो अस्त्र हों उन सब के द्वारा अब सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। हम सभी भक्तजन भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा, शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्त पर नहीं, सब देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट का लान पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने हमारी सहायता नहीं की है तो अंत में हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने हमारी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के हमारी सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर कर दिया है। द्वारकापुरी में सत्ताजित नाम के एक राजा थे जो भोज वंश में उत्पन्न हुए थे और
सूर्य भगवान के अनन्य उपासक एवं उनके मित्र भी थे। अथा सूर्य भगवान ने उनको प्रसन्न होकर सावंतक मणि दी थी और जब वो उसको पहन करके अपने नगर में आ रहे थे तो नगरवासियों ने समझा कि सूर्य भगवान भगवान कृष्ण से मिलने आ रहे हैं। परंतु कृष्ण जी ने उनसे कहा कि भोले वाले नागरिको, ये सूर्य भगवान नहीं अपितु उनके द्वारा प्रदत्त सावंतक मणि को पहन करके राजा सत्ताज दारे हैं। राजा ने घर में आकर के इस मणि को रख दिया और स्वस्ति वाचन पूर्वक इसका पूजन कराया। जहाँ जो मणि रहती थी वहाँ किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं आता था, अकाल नहीं होता था। अभितु वो नित्य प्रति 2 किलोवाट सोना दिया करती थी। एक दिन इस मणि को सत्ताजित के छोटे भाई प्रसेन ने गले में पहना और वो शिकार करने के लिए सिंधु देशी घोड़े पर बैठ करके वन में चला गया, जहाँ एक सिंह ने मणि के लोभ में प्रसेन तथा घोड़े का वध कर दिया और मणि छीन ली। उसी मणि को रिक्शा जाम बंद छीन लिया और अपनी कंधा में जाकर के अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। उधर नगर में जो कानाफूस से होने लगी कि कृष्ण ने मणि के लोभ में आकर के प्रसेन का वध कर दिया है, इसलिए अपने प्रति इस अपजश को मिटाने के लिए कृष्ण जी ने नागरिकों को साथ में लिया और वो वन में प्रसेन को ढूंढ निकल गए। उन्होंने देखा कि प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा है और रक्त बिंदु का अनुसरण करने पर देखा कि कंदरा के द्वार पर जो रे शेर भी मरा पड़ा हो। तब उन्होंने कंदरा में जाकर के जाने से पहले नगरवासियों से कहा कि जब तक मैं कंदरा से वापस नहीं आता हूँ, मणि लेके वापस नहीं आता हूँ, और मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। नगरवासी द्वार पर खड़े हो गए और कृष्ण जब कंदरा में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा मणि से खेल रहा है। और जब उन्होंने मणि को छीनना चाहा तो बच्चा रोया। उधर रीक्षा जाम मंदिर आकर बिना सोचे समझे अपने प्रभु राम से कृष्ण जी से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। नगरवासी भयभीत हुए, केवल 12 दिन तक ही प्रतीक्षा करके नगर में वापस आ गए और सारा वृत्तांत आकर वसुदेव जी बताया, जिसको सुन करके वसुदेव जी परिवार से मूर्छित हो गए। देव योग से वहां पर नारद जी आए हैं, जिनका वसुदेव जी आदर सम्मान किया है। और उस समय नारद जी वसुदेव से पूछे हैं कि महाराज आप चिंतित क्यों हैं, शोकग्रस्त क्यों हैं? वसुदेव जी बता रहे हैं कि मेरा पुत्र कृष्ण मणि लेने के लिए प्रसेन को ढूंढने के लिए गया था, परंतु बड़ी देर हो गई, अब तक लौटा नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। इसलिए मुझे कोई ऐसा जाप पूजा पाठ दान बताइए जिससे मेरा पुत्र कृष्ण वापस आ जाए। उस समय नारी बता रहे हैं कि इसके लिए आप दुर्गा माता की समाराधना करो, शुभ मुहूर्त आने पर श्रीमद देवी वाद कथा का श्रवण करो, इससे निश्चय रूप से ही आप अपने पुत्र को प्राप्त कर सकेंगे। उस समय बहुदेव ने कहा कि महाराज देव योग से आप जहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए आप ये शुभ मुहूर्त में अपने मुखारविंद से मुझे इस कथा का श्रवण कराइए। शुभ मुहूर्त आने पर नारद जी ने कथा का प्रारंभ किया, पाठ करना प्रारंभ किया और उसमें विघ्नों के श्रवणार्थ ब्राह्मण द्वारा नवान मंत्र का जाप कराया। वसुदेव जी विधि पूर्वक कथा का श्रवण करने लगे। उधर कृष्ण जी का रीक्षार जामबंदी के साथ मल्ल युद्ध हो रहा है। युद्ध करते करते रीक्षार जामबंदी के अंग शिथिल पड़ गए और उनको पूर्व घटनाओं का स्मरण होने लगा। वो कहने लगे कि महाराज आप तो मेरे प्रभु राम हैं, जिनके कोप से लंका दहल गई थी और रावण परिवार सहित मारा गया था, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करो और मेरे योग्य जो सेवा उसे बताओ। उस समय कृष्ण ने कहा कि हम तो केवल मणि लेने आए थे। उस समय ऋषा जामवंत ने उनको मणि भी दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी उनके साथ कर दिया और कृष्ण जी मणि गले में धारण करके जामवंती को पत्नी रूप में अंगीकार करके जो नगर को वापस आए। उधर कथा का समापन हो रहा है, ब्राह्मणों को भूरी भूरी दक्षिणा दी जा रही है, ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी समय कृष्ण जी गले में मणि धारण किए हुए पत्नी को साथ लिए हुए वहां पर पधारे, जिनको देख करके नगरवासियों के आनंद के अश्रु बहे हैं। वसुदेव जी नारद जी से प्रसन्न हुए और उनसे वो आज्ञा लेकर के देवलोक को चले गए। जो भक्तजन इस कथा का श्रवण करते हैं उनको किसी प्रकार का भी कलंक लगने की आशंका नहीं रहती। विशेष रूप से कलंक चतुर्थी को यदि चंद्रमा के दर्शन होना है तो इस कथा का यदि स्मरण कर लिया जाए तो कलंक नहीं लगता। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको आयु के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी आदि काल से इस दिव्य गुफा में संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यही विराजमान होती हैं।
आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही है। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चारण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चारण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्चे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में सुन जो माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है। यहाँ बिगड़ी बने हर किसी की, यहाँ बिगड़ी बने हर किसी की, इसके जैसा कोई दर नहीं है। यहाँ बिगड़ी बने हर किसी की, इसके जैसा दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है। हमारी समाज देवी है, सभी अपने हाथ ऊपर उठाकर माता में हाजिर देंगे और ऊंचा बोलेंगे दिल करके जय माता। दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया अगर कोई तेरे दर पर, दर बदर खा
गया दूनी तेरे दर पर, तूने उसको ही अपना बनाया, मौत को ही अपना बनाया, मौत का भी उसे डर नहीं है, तूने उसको ही अपना बनाया, मौत का भी उसे डर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है, लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है। जीते मरते जो तेरी लगन में, जलते रहते विरह की अगन में, जीते मरते जो तेरी लगन में, जलते रहते है भरोसा तेरा है भवानी, है भरोसा तेरा है भवानी, तू नरम दिल है पत्थर नहीं है, है भरोसा तेरा है भवानी, तू नरम दिल है पत्थर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है, लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है। तू पिला दे जो एक बूंद रस की, क्या कमी है तेरे पास रस की, तू पिला दे जो एक बूंद रस की, क्या कमी है तेरे पास रस की, इतनी ममता भरी तेरे दिल में, इतनी ममता भरी माँ के दिल में, कि जिससे गहरा कोई सागर नहीं है, इतनी ममता भरी तेरे दिल में, इससे गहरा दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है, लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है, लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है। बिगड़ी बने हर किसी की, यहाँ बिगड़ी बने हर किसी की, इसके जैसा कोई दर नहीं है, यहाँ बिगड़ी बने हर किसी की, इसके जैसा कोई दर नहीं है। नाम रस का लगा चस्का जिसको, लगता बैकुंठ भी का सा उसको, नाम रस का लगा चस्का जिसको, लगता बैकुंठ भी का सा उसको, मान दिल में फिर उसको बिठाया, मान दिल में उसको बिठाया, कि जिससे बेहतर कोई घर नहीं है, मान दिल में को बिठाया, जिससे बेहतर कोई घर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है, लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के जैसा कोई दर नहीं है। मान ले सिर्फ माँ को तो अपना, सीख ले याद में बस तड़पना, मान ले सिर्फ माँ को तू अपना, सीख ले याद में बस तड़पना, वो लगा लेगी माँ लगा लेगी, वो लगा लेगी सीने से तुझको, माँ लगा लेगी सीने से तुझको, जो दिल में बैठी है बाहर नहीं है, माँ लगा लेगी सीने से तुझको,
बैठी है बाहर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है। कर्म है माँ की निष्काम सेवा, धर्म है माँ की इच्छा मेरा। कर्म है माँ की निष्काम सेवा, धर्म है उसकी इच्छा मेरा। सौंप दे माँ के हाथों में डोरी, सौंप दे माँ के हाथों में डोरी, के तुझे गिरने का फिर डर नहीं है। सौंप दे माँ के हाथों में डोरी, गिरने का फिर डर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर सा कोई दर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं, माँ के दर का कोई दर नहीं है। यह बिगड़ी बने हर किसी की, यह बिगड़ी बने हर किसी की, कोई के जैसा कोई दर नहीं है। यह बिगड़ी बने हर किसी की, कोई के जैसा कोई दर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है। हो माँ के दर का कोई दर नहीं है, माँ के दर का कोई दर नहीं है। हो माँ के दर का कोई दर नहीं है, माँ के दर का कोई दर नहीं। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का, बोल सबके दरबार की जय। एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरों वाली दा, कलकत्या चलिए माता काल का रक्त दी तर आई। चलिए माता काल का रक्त दी तर आई, कलकत्या चलिए माता काल का रक्त दी तर आई। कलकत्या चलिए माता काल का रक्त दी तर आई। ओ अखा माता दिया बलन मशाला गज गज लाली छाई, जय होवे जम्मू वाली काली माता तेरी, जय होवे जय होवे जम्मू वाली काली माता तेरी, जय होवे जय होवे जम्मू वाली काली माता तेरी, जय होवे जय होवे जम्मू वाली काली माता तेरी, जय होवे। बड़ी मुंडियां गले च पांदी लैंदी यार बनाई, हो बड़ी मुंडियां गले च पांदी लैंदी हार बनाई। ओ पाई माता ने नंत सोबदा तुलसी ठीक करे लाई, ओ पाई माता ने नंत सोबदा तुलसी ठीक करे लाई। ओ सवा माना दा खपर मैया दा ओ भी परोंदा नाई, हो सवा माना दा खपर मैया दा ओ भी परोंदा नाई। जय होवे जम्मू वाली काली माता तेरी, जय होवे जय होवे जम्मू वाली काली माता तेरी, जय होवे जय होवे पहाड़ियां वाली काली माता तेरी, जय होवे जय होवे पहाड़ियां वाली काली माता तेरी, जय होवे। ओ पिछ पावे दे बहु लोचन ने
ਆਂਦੀ ਕਾਲ ਤਾ ਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਦੇ ਆਂਦੀ ਕਾਲ ਕਾਮਾਈ ਉਹ ਬਹੁ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਲਿਆ ਬਣਾਈ ਉਹ ਬਹੁ ਕਿਲੇ ਮੰਦਰ ਲਿਆ ਬਣਾਈ ਕਰੀ ਥਾਪਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਕਰੀ ਥਾਪਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਾਜਾ ਪੂਜਾ ਨਿਤਰ ਚਾਈ ਕਰੀ ਥਾਪਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਾਜਾ ਪੂਜਾ ਨਿਤਰ ਚਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਉਹ ਜਗਨ ਰਚਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤੜੇ ਦੇ ਬਸ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਬਰਕਾਲ ਕਾ ਮਾਈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੱਤੜੇ ਦੇ ਬਸ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਬਣਿਆ ਉੱਚੇ ਪਾੜੇ ਜਾਈ ਸੁੰਦਰ ਪਵਨ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉੱਚੇ ਪਾੜੇ ਜਾਈ ਉਹ ਦੂਰਾ ਦੂਰਾ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਬੁਲਾਈ ਉਹ ਦੂਰਾ ਦੂਰਾ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਬੁਲਾਈ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਚੜਾਈਆਂ ਪੌੜ ਕਾਲ ਕਾ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਚੜਾਈਆਂ ਪੌੜ ਕਾਲ ਕਾ ਮਾਈ ਮੰਗਦੇ ਸੋ ਕਿਛ ਮਿਲਦਾ ਦਿੱਤੀ ਵੇਲ ਬਧਾਈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਸੋ ਕਿਛ ਮਿਲਦਾ ਦਿੱਤੀ ਵੇਲ ਬਧਾਈ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਮਾਵੇਗੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਪੈਣਗੀ ਵੀਰ ਮਲਾਈ ਮਾਵੇਗੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਪੈਣਗੀ ਵੀਰ ਮਲਾਈ ਉਹ ਮਾਵੇਗੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਪੈਣਗੀ ਵੀਰ ਮਲਾਈ ਮਾਵੇਗੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਪੈਣਗੀ ਵੀਰ ਮਲਾਈ ਉਹ ਭੁੱਖੇਗੀ ਰੋਜ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਨੰਗੇਗੀ ਵਸਤਰ ਲਾਈ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ
बैठन त्यारे माता अमृत कथा सुनाई सच्चे वचन थारे वादा अमृत कथा सुनाई हे सच्चे वचन थारे माता अमृत कथा सुनाई हो सच्चे वचन थारे वादा अमृत कथा सुनाई तेरी जय होवे जय होवे जमवाली काली माता तेरी जय होवे जय होवे पहाड़ियाली काली माता तेरी जय होवे जय होवे जमवाली काली माता तेरी जय होवे जय होवे बावियाली काली माता तेरी जय होवे जय होवे बावियाली काली माता तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय होवे जनवाली काली माता तेरी जय होवे जयकारा शेरावाली दा सच्चे दरबार की जय एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है मेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया 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 है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया मुझे तूने मैया सहारा दिया है 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 तेरा शुक्रिया 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 है ना मिलती अगर माँ कोई दाद तेरी ना मिलती अगर माँ कोई कोई दात तेरी ना मिलती अगर माँ कोई दात तेरी जमाने में क्या थी औकात मेरी जमाने में क्या थी औकात मेरी मुझे तूने जीने का सहारा दिया है मुझे तूने जीने का सहारा दिया है मुझे तूने जीने के काबिल किया है जीने के काबिल किया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है हे तूने मैया बहुत कुछ दिया है हे तूने मैया बहुत कुछ दिया है मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है मुझे तूने मैया
कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है माँ तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मैया सहारा दिया है मुझे तूने मैया सहारा दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया 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 है तेरा शुक्रिया 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 है तेरी रहमतों का इशारा न होता तेरी रहमतों का इशारा न होता जमाने में मेरा गुजारा न होता जमाने में मेरा गुजारा शुक्रिया तेरा शुक्रिया हे तूने मैया बहुत कुछ दिया है हे तूने मैया बहुत कुछ दिया है हे तूने मैया सहारा दिया है तूने मैया सहारा दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया 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 है शुक्रिया है तेरा 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 शुक्रिया हाँ तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है जयकारा शेरा वालिदा उस
सच्चे दरबार की जय। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज्ज्वलावां सद्रत्वन्मकर कुण्डलहार भूषां दिव्याजुदोर्जित सुनील सहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभ चरणा भवती परेशां सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकुमारी शुभ संबत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल वसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 28 प्रविष्ट हैं। शुक्ल पक्ष आज षष्ठी तिथि है। मंगलवार तदनुसार 12 मार्च सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी धर्म दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रानाम उदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं छत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त यहाँ उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है। आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ अभी आरती है, सभी बोलिएगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल कर मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन जावत मैया जी को निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे भाग से दूर विराज मैया जी को मृग मद को ओ जलते दो नैना ओ जलते दो नैना गंग बदन मी को ओ जय अम्बे कनक समान कलेव राप्तांबर राज मैया राप्तांबर राज रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राज खड़ग खबर धारी मैया खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी आनन कुंडल शोभित दाता के मोती मैया नाथ के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी कुंभन कुंभ विदार महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती ओम प्रविलोच
ਲੋਚਨ ਨੈਣਾ ਭੂਮ ਰਵਿ ਲੋਚਨ ਨੈਣਾ ਇਸ ਦਿਨ ਮਦ ਮਾਸੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਕੰਡ ਮੁੰਡ ਸੰਹਾਰ ਸੋਨਿਤ ਬੀਜ ਹਰੇ ਓ ਮਈਆ ਸੋਨਿਤ ਬੀਜ ਹਰੇ ਮਧੁ ਕੈ ਡਭ ਦੋ ਮਾਰੇ ਓ ਮਧੁ ਕੈ ਡਭ ਦੋ ਮਾਰੇ ਸੁਰ ਭਯ ਹੀਨ ਕਰੇ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪਥ ਰਾਣੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਚੌਸਠ ਯੋਗਿਨੀ ਗਾਵ ਨਿਤ ਕਰਤ ਭੈਰੋ ਓ ਮਈਆ ਨਿਤ ਕਰਤ ਭੈਰੋ ਬਾਜਤ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗਾ ਬਾਜਤ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗਾ ਔਰ ਬਾਜਤ ਡਮਰੂ ਓਮ ਜੈ ਮਈਆ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਭਰਤਾ ਭਕਤਨ ਕੀ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਭਕਤਨ ਕੀ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਕਰਤਾ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਸੁਰਾਚਾਰ ਅਤਿ ਕੋਵਿਤ ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਧਾਰੀ ਮਈਆ ਵਰ ਮੁਦਰਾ ਧਾਰੀ ਮਨਵਾਚਿਤ ਫਲ ਪਾਵਤ ਸੇਵਤ ਨਰ ਨਾਰੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਕੰਚਨ ਕਾਲ ਵਿਰਾਜਤ ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਬਾਸੀ ਓ ਮਈਆ ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਬਾਸੀ ਮਾਲ ਕੇ ਤੁਮੇ ਰਾਜਤ ਓ ਸ੍ਰੀ ਮਾਲ ਕੇ ਰਤਨ ਜੋਤਿ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਅੰਬੇ ਜੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਮਈਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਾਵੇ ਕਹਤ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਕਹਤ ਹਰਿ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਮਨਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਵੇ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਮਈਆ ਜੈ ਮਾਗਰੀ ਮਈਆ ਜੈ ਮੰਗਲ ਮਈਆ ਜੈ ਆਨੰਦ ਗਰਨੀ ਤੁਮ ਕੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਵਤ ਮਈਆ ਜੀ ਕੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਵਤ ਹਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਅਬ ਛੋੜ ਕਰ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਛੋੜ ਕਰ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਛੋੜ ਕਰ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਛੋੜ ਕਰ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਕਰਨ ਕਰਨੇ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਆ
ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੇ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਅਭੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता जी। कल मेले बोलो जय माता जी। आहे वेला जय माता जी। प्रातः वेला जय माता जी। आरती वेला जय माता जी। मां आप बुलांदी जय माता जी। मां कष्ट मिटांदी जय माता जी। मेरा गादी जय माता जी। ढोलियां वंदी जय माता जी। भरे खजाने जय माता जी। सोलह आने जय माता जी। भोगा भरनी जय माता जी। वीर देनी जय माता जी। लाल देनी जय माता जी। माने सुनिया जय माता जी। कुट्टी बोलो जय माता जी। हाथ भी बोलो जय माता जी। ताली बजा के जय माता जी। जोता वाली जय माता जी। लाटा वाली जय माता जी। चोलिया वाली जय माता जी। चुनिया वाली जय माता जी। चूड़िया वाली जय माता जी। पहाड़ा वाली जय माता जी। मंदरा वाली जय माता जी। झंडिया वाली जय माता जी। घंटिया वाली जय माता जी। द्वारा वाली जय माता जी। भवना वाली जय माता जी। शेरा वाली जय माता जी। गुफा वाली जय माता जी। आज वाली जय माता जी। जग कल्याणी जय माता जी। बाबा रानी जय माता जी। सिंधी रानी जय माता जी। वैष्णो देवी जय माता जी। बाबा काली जय माता जी। भक्कर वाली जय माता जी। लक्ष्मी देवी जय माता जी। लक्ष्मी मैया जय माता जी। गौर सवारी जय माता जी। हरे खजाने जय माता जी। सोलह आने जय माता जी। जय माता जी। हंस सवारी जय माता जी। विद्या देवी जय माता जी। ज्ञान देवी जय माता जी। पृथ्वी देवी जय माता जी। भक्ति देवी जय माता जी। जय जय अम्बे 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 सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखम। देहि मे परमं सुखम। रूपं देहि जयं देहि। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि दिशो जहि। यशो देहि दिशो जहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री प्यारे महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। Thank you.
आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाए। बोलो सत्य बहुत दिल्ली दिल्ली लिया, सभी ने आरती का आनंद लिया, किसको ज्यादा आया आनंद? तो फिर जब सबको आनंद ज्यादा आया तो आवाज कम क्यों? सभी मिलके आवाज गूंजनी चाहिए, आपकी आवाज से गूंज लेते हुए ना आशीर्वाद लेते हुए पूरे देश में फैल, पूरे से
बोलो सच्चे खाल 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 खाल